दोस्तों एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल नित्य क्लासेस में। और आपके इन क्वेश्चंस को मैं बहुत बेहतर तरीके से कराने वाला हूं और आपको ये क्लास बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस हम लाइव सेशन को और एक बार आपके कमेंट हम शो कर दें जिससे कि हमें कमेंट आपके दिख पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। और हम अगर रिविजन बैच है आपका 2.4 यानी बैच नंबर 2 है और आपका स्लाइड नंबर 4 है जो आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं, इंग्लिश पेडागोजी बैतुल कुमार मसोतिया। चलते हैं आज के अपने ये हमारा दमदार प्रेजेंटेशन हमारे कोचिंग का। दोस्तों अगर ये आपको पसंद आता है हमारा चैनल तो आप इसको शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और हमारी वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए आज के सबसे पहले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। ये आज का अपना पहला क्वेश्चन है और देखते हैं कौन महारथी इस क्वेश्चन का सबसे पहले उत्तर दे पाता है। दोस्तों जल्दी से इसका आंसर करिएगा। From the following, which is alternative from the other three with respect to the fine motor movement? Fine motor movement के लिए कौन सा ऐसा है जो alternative हो सकता है या अलग है कह सकते हैं। चलिए dictation है, dot joining है, separation of fruits and vegetables है या handwritten है। सही पूछे तो examiner को यहाँ पर ये alternative ना देके exceptional देना चाहिए था। क्या देना चाहिए था दोस्तों, यहां पर इसको एक्सेप्शनल देना चाहिए था बिकॉज एक्सेप्शनल ही आंसर एक्सेप्शनल को ही दर्शाएगा। यहां पर बात समझ आ रही है। अब हम देखते हैं आंसर क्या हो सकता है। देखिए डिक्टेशन हो सकता है। डिक्टेशन क्या होता है, इमला लिखना मतलब नकल करना, कॉपी करना। दूसरा डॉट ज्वाइनिंग होता है या सेपरेशन। देखिए डॉट ज्वाइनिंग मतलब, देखिए डॉट ज्वाइनिंग का मतलब समझने का प्रयास करें। डॉट ज्वाइनिंग होता क्या है, एक ये बिंदु है, एक ये बिंदु है, एक ये बिंदु है, एक ये बिंदु, ये डॉट है, डॉट 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 डॉट। अगर इन डॉट को हम मिलाने का काम करें, डॉट को क्या करें, हम ऐसे जोड़ने का काम कर रहे हैं, तो ये क्या होती है, ये डॉट ज्वाइनिंग होती है। यानी कहीं ना कहीं हम मार्कर का प्रयोग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, हम राइटिंग स्किल को डेवलप कर रहे हैं। इमला में भी यही काम करते हैं, डॉट ज्वाइनिंग में भी यही काम करते हैं और हैंड रिटन राइटिंग में तो आपको पता ही होगा, हैंड राइटिंग में आप लिखने का काम करते हैं। यानी ये तीनों ही बातें एक दूसरे से कनेक्ट करती हैं। बट जब बात आती है सेपरेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, यानी सब्जियों को और फलों को अलग अलग करना, ये तो एक्सेप्शनल हो जाता है, यानी अलग हो जाता है और यही होगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जल्दी से आंसर करें भाई। क्वेश्चन नंबर बढ़ भाई, चलिए यहां से चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है। चूज द वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी इसमें से सबसे ज्यादा बेस्ट ऑप्शन जो है उसको चुनना है। एट द प्री प्राइमरी स्टेज रीडिंग अलाउड वाइल राइटिंग इज गिवन इंपॉर्टेंस अकॉर्डिंग टू दैट विच थ्योरी इज ट्रू। यानी प्राइमरी लेवल पर बच्चों से जो हम तेज तेज पढ़वाते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा जो बड़े हम लोग हैं या आप जो मैच्योरिटी में आ जाते हैं स्टूडेंट, तो वहां पर हम लोग तेज नहीं बोलते, मन मन में पढ़ते हैं जिससे कि दूसरे को डिस्टर्बेंस ना हो। लेकिन एट द लेवल ऑफ प्राइमरी, यानी प्राइमरी लेवल पर हम बात करते हैं, क्या होता है उस प्राइमरी लेवल पर हम बच्चे से तेज पढ़वाते हैं, अलाउड पढ़वाते हैं। क्यों पढ़वाते हैं अलाउड, जैसे आपने देखा होगा सरकारी स्कूलों में, मैंने तो बहुत पहाड़े सुनाते देखे बच्चे, टेबल सुनाते देखे, बाहर रोड तक आवाज आती थी, तो क्यों कराया जाता है भैया, ये क्यों तेज पढ़वाया जाता है। इसका आंसर क्या, वो इंसाइट के लिए होता है, इमिटेशन के लिए होता है, ट्रायल एंड एरर के लिए होता है, या कंडीशनिंग के लिए होता है, या बोथ एंड ए और बी। देखिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कंडीशनिंग। क्या होगा, कंडीशनिंग इसका राइट आंसर होगा भाई। आंसर जरूर करते रहे आप लोगों के कमेंट, मुझ तक थोड़ा सा नेटवर्क थोड़ा दिक्कत कर रहा है, बिल्कुल। आर से आर के सिंह जी आ चुके हैं हमारे साथ, गुड आफ्टरनून। चलिए कंडीशनिंग होता है क्योंकि जो बच्चा पहले ही सीख चुका है वो आती तो है उसको, लेकिन वो बोलने में कितने बेहतर तरीके से प्रनाउंस कर पा रहा है, कितने बेहतर तरीके से उसको बता पा रहा है, उसको तेजी से अगर उसको और अलाउड तरीके से उसको प्रनाउंस कराया जाए तो बेहतर, तो उसकी कंडीशनिंग हो जाएगी, उसको और सुधारीकरण उसमें हो सकता है। ठीक है, चलिए बढ़े आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। ड्यू टू इमाइल द नोबेलेस्ट वर्क इन द एजुकेशन इज टू मेक ए और एन सेलेक्ट वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस फ्रॉम द फॉलोइंग। यानी इमाइल के अनुसार एक स्टूडेंट को या एक व्यक्ति को क्या बनाता है एजुकेशन, शिक्षा क्या बनाती है, एंटरप्रेनर बनाती है, व्यवसायिक बनाती है, थिंकर बनाती है,
ठीक है, या रीजनेबल मैन, रीजनिंग मैन बनाती है, गुड सिटीजन बनाती है, या बोथ ए एंड बी? जल्दी आंसर करें भाई। 22 का सी आंसर आ रहा है, 22 का सी आंसर आ रहा है। 22 का क्या था? 22 का डी आंसर था, कंडीशनिंग इज द राइट आंसर। जल्दी करें 23 का आंसर करें। 23 का आंसर क्या होगा? बहुत बेहतर लग रहा है आप लोगों के साथ जुड़कर, कसम से मजा आ गया। जल्दी आंसर करें भाई। एंटरप्रेनर, थिंकर, रीजनिंग मैन एंड गुड सिटीजन। देखिए जी भाई, मालिक की बात आती है तो ये कहते हैं कि एक व्यक्ति को क्या होना चाहिए, एक व्यक्ति को क्या होना चाहिए दोस्तों, ये कहते हैं एक व्यक्ति को गुड सिटीजन बनाती है, यानी एक बेहतर नागरिक बनाने का काम करती है। एंड दिस इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 23। ओके, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने। इंडिकेट ट्रू ऑप्शन, सही ऑप्शन को इंडिकेट करना है, विच इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन, जो समझने में नहीं है, व्हाइल प्रिपेयरिंग द ब्लू प्रिंट फॉर द टेस्ट। ब्लू प्रिंट से टेस्ट के तो तैयार करने के लिए नहीं आता, उसके अंतर्गत नहीं आता। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव होता है, या टॉपिक को देखना होता है, टीचिंग टाइम को देखना होता है, या फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस को देखना होता है, या बोथ ए एंड बी? जल्दी बताएं दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर। सर नेटवर्क प्रॉब्लम ही है मेरे यहाँ, आपके यहाँ नहीं, हमारे यहाँ से भी नेटवर्क प्रॉब्लम चल रही है, थोड़ा थोड़ा देखने को मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, इंडिकेट ट्रू ऑप्शंस विच इज नॉट टेकन इनटू कंसीडरेशन व्हाइल प्रिपेयरिंग द ब्लू प्रिंट फॉर द टेस्ट। यानी जब आप ब्लू प्रिंट तैयार करते हैं तो उसमें कौन सी बात ऐसी है जिस पर आप ध्यान नहीं देते, या जो आपके लिए उतनी महत्वपूर्ण नहीं है? दोस्तों जल्दी आंसर करें इसका। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, जो निर्देशात्मक उद्देश्य हैं, क्या आप उनको ध्यान में नहीं रखोगे? रखना पड़ेगा भाई। क्या होता है ब्लू प्रिंट, पहले इस बात को समझ लीजिएगा, पहले आप लोग आंसर करें, उसके बाद मैं इसके बताता हूँ। सर आई एम लेट। ओके, कोई बात नहीं जय भारती जी, देर आए पर दुरुस्त आए, जब जागो तब सवेरा के सिद्धांत पर आप काम करेंगे, मुझे उम्मीद है। जल्दी आंसर करें। जय भारती, डी आंसर, वेरी गुड, बहुत बड़ा धमाकेदार एंट्री करी है, डी आंसर करें। फ्रॉम ऑफ द क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन का डी आंसर दे रही है? 24 का डी। चलिए दोस्तों देखिए, 24 का डी आंसर नहीं है, 24 का जो आंसर होगा वो होगा सी। क्यों होगा, इस बात को समझने का प्रयास करें। जब आप ब्लू प्रिंट होता क्या, पहले तो इस बात को समझे। देखिए ब्लू प्रिंट की जब बात करते हैं, जब हम ब्लू प्रिंट की बात करते हैं तो जब कोई एग्जामिनेशन या एग्जामिनर पेपर को तैयार करता है तो प्री एग्जामिनेशन पेपर जो, जैसे आपने पेपर तैयार करना है, आपको एक जिम्मेदारी सौंप दी गई कि आपको पेपर तैयार करना है, पेपर से पहले आप रफली कुछ पेपर तैयार करोगे तो वो रफली वर्क जो होता है वो ब्लू प्रिंट कहलाता है। जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो पेपर के फॉर्म में आ जाएगा या किसी टेक्स्ट फॉर्म में आ जाएगा, लेकिन उसको बोलते हैं ब्लू प्रिंट। तो उसमें आप इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव को तो ध्यान रखेंगे, ये आंसर नहीं हो सकता। टॉपिक क्या रखना है ये बात भी आप ध्यान रखोगे। फ्रॉम ऑफ क्वेश्चंस, कितने कहाँ से क्वेश्चन उठाने, कैसे क्वेश्चन को रखना है ये भी आप ध्यान रखोगे, ये बात भी नहीं हो सकती। लेकिन टीचिंग टाइम, भाई जब आप क्वेश्चन पेपर तैयार कर रहे हो तो टीचिंग टाइम का मैटर क्या है उसमें? टीचिंग टाइम डज नॉट रिलेट टू दिस क्वेश्चन एंड दिस इज द राइट आंसर, यही इसका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़े आगे भाई। आई होप आप लोग अच्छी तरह से इसको समझ पाए होंगे और आप लोगों को अच्छा लगा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द साइकोलॉजी? साइकोलॉजी क्या है? साइंस ऑफ माइंड, साइंस ऑफ सोल, साइंस ऑफ बिहेवियर एंड साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, या बोथ ए एंड सी? दिस इज द रिपीटेड क्वेश्चन एंड टेल मी द राइट आंसर। आई होप यू विल गिव द राइट आंसर, या सी इज द राइट आंसर। ओके, सी बिल्कुल सही है, सी ही सही है, गलत नहीं बताऊंगा, यकीन मानिएगा, मैं आपको गुमराह करने का काम नहीं करूंगा। अगर किसी कारणवश कोई क्वेश्चन गलत भी हो जाता है मैं उसको रिकरेक्शन में डाल दूंगा, टेंशन मत लें आप। जल्दी आंसर करें भाई। व्हाट इज द साइकोलॉजी? साइकोलॉजी क्या है? साइंस ऑफ माइंड, साइंस ऑफ द सोल, साइंस ऑफ बिहेवियर, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। क्या है साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस? जल्दी आंसर करें भाई, बहुत तेजी के साथ आंसर करें, बहुत बढ़िया तरीके से। आंसर आते रहने चाहिए सभी के। चले दोस्तों चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ, और राइट आंसर है आपका साइंस ऑफ बिहेवियर। साइकोलॉजी को जो देखा गया है
वो किसके रूप में देखा गया है? बिहेवियर के तौर पे, यानी व्यवहार के तौर पे देखा गया है। चेतना के तौर पे भी माना जाता है, मस्तिष्क के तौर पे भी या आत्मा के तौर पे माना जाता है, लेकिन कुछ कुछ लोगों का मानना है, सभी लोगों का मानना नहीं है। जिस बात को सर्वसम्मत सहमति मिल जाए उस बात को ज़्यादा पॉपुलर किया जाता है, और सर्वसहमति मिली है बिहेवियर को। ठीक है, जितने भी हमारे साइकेटिस्ट हैं वो बिहेवियरल थ्योरी को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। चलिए, इंडिकेट ट्रू ऑप्शन। ट्रू ऑप्शन को इंडिकेट करना है, द मोर ऑफन स्पेसिफिक एबिलिटी इज यूज्ड। यदि विशेष क्षमता, वैसे गलत है मुझे, पहले आपको हिंदी बताना, चलिए इसका आंसर करें, पहले इसका आंसर करें भी। इंडिकेट ट्रू ऑप्शन, द मोर ऑफ वन स्पेसिफिक एबिलिटी इज यूज्ड, द डैश 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 इट बिकम्स, तो वो क्या होगा? स्ट्रॉन्गर होगी, वीकर होगी, मोर इंपॉर्टेंट होगी, लेस इंपॉर्टेंट होगी, या बोथ ए एंड सी? जल्दी आंसर करें भी, बहुत तेजी से। दीक्षा विश्नोई जी की एंट्री हमारे साथ हो चुकी है। दीक्षा जी, स्वागत है आपके अपने चैनल नित्य क्लासेस में, एंड वेलकम टू नित्य क्लासेस अगेन। जल्दी, बहुत धांसू तरीके से, बहुत सॉलिड तरीके से आप लोग आंसर करें, अच्छा लगेगा, बड़ा अच्छा लगेगा हमें आपके साथ जुड़कर। जब लोग आप, बिल्कुल बहुत बढ़िया, आंसर सी, क्या बात है, आंसर सी कर दिया, 27 का आंसर है ना। अच्छा, जब आप आंसर करें तो आंसर के सामने क्वेश्चन नंबर भी डाला करें, जिससे कि मुझे ये पता लग जाएगा कि आप कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। चूंकि होता क्या है, कई बार नेटवर्क की वजह से, मतलब जो ऑप्शन है आपके, जो आंसर थोड़े देरी से आते हैं, और मैं ये समझ नहीं पाता कि क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन का आप लोग आंसर कर रहे हैं। अच्छा, आर के सिंह जी कह रहे हैं, सर संडे में प्याजे वाइगोस्की कोलबर्ग के एमसीक्यूज करा देना। कोई बात नहीं, संडे में मैं तीनों के एक साथ करा दूंगा, और इतना बेहतर तरीके से कराऊंगा, उससे बाहर क्वेश्चन एक भी नहीं जाएगा। कुछ भी मार्केट से कोई टेंशन मत लेना, कोई प्रैक्टिस सेट मत खरीदना, वो क्वेश्चन करके चले जाना। कोलबर्ग वाइगोस्की प्याजे से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा। चलिए, 27 का सी, अरे वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। जय भारती डी आंसर, आर के सिंह जी सी आंसर, विश्नोई जी का आंसर सी, बहुत खूब। देखिए, जितने भी लोग सी आंसर कर रहे हैं, मोर इम्पोर्टेंट, वो आंसर कर रहे हैं 27 का गलत। आपको थोड़ा सा सुधार करना होगा। क्यों करना होगा, क्यों ये आंसर गलत है, इस बात को समझे भाई। इंडिकेट ट्रू ऑप्शन, सही ऑप्शन को चुनना है, द मोर ऑफ वन स्पेसिफिक एबिलिटी यूज। अगर आप विशेष योग्यता को आप इस्तेमाल करते जाएंगे, ठीक है, मतलब योग्यता, क्षमता को, एबिलिटी मतलब क्षमता को, ये उस क्षमता को जब लगातार प्रयोग में लाते जाएंगे, सपोज दैट मेरे वजन उठाने की क्षमता 1 क्विंटल है, और मैं 1 क्विंटल अब उठा लिया, उसके बाद फिर 1 क्विंटल उठाऊं, क्या मैं दोबारा 1 क्विंटल उठा पाऊंगा? उसके बाद कम होती चली जाएगी ना। दिस इज द राइट आंसर, वीकर, यानी वो कमजोर होती चली जाती है, जो आपकी वो क्षमता है, वो कैपेसिटी है, वो कमजोर होती चली जाती है, एंड दिस इज द राइट आंसर। हो, देखिए, मोर इंपॉर्टेंट कहीं से कोई लॉजिक खाता नहीं है। हो सकता है स्ट्रॉन्गर हो सकता था, क्यों? अगर यहाँ मेंटली एबिलिटी की बात होती, मन को जितना, मन को और मस्तिष्क को जितना आप तराशोगे, ये उतना ही खूबसूरत बनेगा। ठीक है, ये मन और मस्तिष्क ये दोनों ही कुम्हार की माटी के समान है, इसको जितना गढ़ा जाएगा उतना मजा आएगा। या कह सकते हैं ये कच्चे बांस की तरह होता है, कच्चे बांस को जैसे आप चाहो वैसे कर सकते हो। या तीसरा एग्जांपल अगर मैं देना चाहूँ तो चंदन की लकड़ी के समान होता है, जितना घिसोगे उतना मजा आएगा। ठीक है, जितना उसको घिसोगे उतना ही मजा आएगा। ओके, चलिए बढ़े आगे, दिस इज द राइट आंसर, बढ़े आगे। चलिए, फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन विच आर नॉट अ फैक्टर ऑफ मोटिवेशन, इनमें से कौन सा फैक्टर ऐसा है जो मोटिवेशन को नहीं दर्शाता, ये आपको बताना है। हालांकि मैं आपको हिंदी नहीं बताऊंगा अभी, अगले क्वेश्चन से हिंदी नहीं बताऊंगा, हिंदी बाद में बताया करूंगा। जल्दी देखो, जितने कैंडिडेट हमें देख रहे हैं उतने लोगों ने भी लाइक नहीं किया है। क्या वीडियो आपको पसंद नहीं आ रही है दोस्तों? आ रही है तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, थोड़ा सा समय निकाल के, बस ये नन्ना सा चुटकी भर काम आपको करना है। आप लोग इसको कर दोगे तो हमारा मनोबल बढ़ जाएगा। बी इज द राइट, बिल्कुल जय भारती जी, बी ही राइट आंसर है। जैसे जय भारती जी का नाम सामने आता है मुझे दिव्या भारती याद आती हैं, फिल्म दुनिया की एक बहुत ही क्यूटेस्ट कह सकते हो, बहुत सुंदर महिला लड़की के तौर पे उन्होंने नाम हासिल किया। चलिए, जय भारती 100% सी होगा। चलिए, 28 का सी आंसर कर रहे हैं, प्रैक्टिस। फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन विच आर नॉट अ फैक्टर ऑफ मोटिवेशन, कौन सा मोटिवेशन का फैक्टर नहीं है? इंसेंटिव, प्राइस, प्रैक्टिस, प्रेज, या बोथ ए एंड सी? देखिए, चलिए इमोशनल बोली सभी के आंसर आ चुके हैं, कुछ लोग बी दे रहे हैं, कुछ लोग सी दे रहे हैं। चलिए चलते हैं इसके राइट आंसर की ओर। राइट आंसर जो हमारा होगा दोस्तों, राइट आंसर होगा प्रैक्टिस। क्या होगा? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मोटिवेशन का पार्ट नहीं होता, प्रैक्टिस मोटिवेशन का पार्ट नहीं होता। जब किसी को आप इंसेंटिव दोगे, कोई एम्प्लॉय आपके यहाँ काम कर रहा है, या आप किसी
के यहाँ काम कर रहे हैं एज ए एम्प्लॉय, अगर आपको इंसेंटिव मिलता है तो आप मोटिवेट होते हो कुछ बेहतर करने के लिए, कुछ और मेहनत करते हो उस संस्थान के लिए, उस कंपनी के लिए या उस गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता ऑप्शन। बात करते हैं प्राइज की। देखिए प्राइज या पुरस्कार जब दिए जाते हैं तो प्राइज या पुरस्कार लोगों के अंदर की क्षमताओं को बाहर निकालने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए यानी उनको प्रोत्साहित करने के लिए ये प्राइज दिए जाते हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकता। दिस इज द ऑल्सो पार्ट ऑफ ए मोटिवेशन। बात करेंगे प्रैक्टिस की। देखिए अभ्यास इसका पार्ट नहीं है एंड दिस इज द राइट आंसर। प्रेज यानी किसी की प्रशंसा करना। अगर एक बच्चा कुछ काम करता है एज ए टीचर, आप यू आर टीचिंग इन ए प्राइमरी स्कूल, यदि आप एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ा रहे हैं और एक किसी बच्चे ने छोटा एक अच्छा सा काम किया और आपने कहा वाह बेटा बहुत बढ़िया शाबाश क्या बात है मजा आ गया बहुत बढ़िया बहुत नाम रोशन करोगे अपने माँ बाप का, तो बच्चे की सेल्फ मोटिवेशन बढ़ गया, बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ गया, वो प्रोत्साहित हो गया कि हाँ मैडम ने आज तो तारीफ करी है, कल को इससे भी बेहतर करके आऊँगा या करके आऊँगी, ठीक है। तो मेरे दोस्तों यहाँ से आपका प्रैक्टिस वाला ऑप्शन बिल्कुल क्लियर हो जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या होगा ये आपको बताना है, तो जल्दी आंसर करें दोस्तों। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सभी मित्रों के पास, सभी दोस्तों के पास। बड़ा ही आनंद आएगा जब आप लोग शेयर करेंगे और लोग भी इसको देखेंगे, बड़ा परिवार होगा हमारा नित्या फैमिली का, ठीक है। बहुत खूब 28 का बी आंसर, 28 का बी आंसर नहीं था सी आंसर था। सर इंग्लिश वीक है, क्वेश्चन सही से समझ नहीं पाते हैं, हाँ हो सकता है। देखिए बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं, दे आर मैनी स्टूडेंट हु आर वाचिंग दिस लाइव सेशन, जो इस लाइव सेशन को देख रहे हैं उनमें से कुछ रीजनिंग तो सभी की अच्छी है, मनोवैज्ञानिक तो बहुत अच्छी है आप सभी लोगों की, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज को नहीं समझ पाते। अगर इनको कोई इंग्लिश लैंग्वेज समझाते ना तो 100 के 100% आंसर सही देंगे। तो समझ सकता हूँ आपकी समस्या। जय भारती जी आपके यहाँ नेटवर्क थोड़ी समस्या कर रहा है, तो शायद मुझे लग रहा है कि आंसर नहीं आ पाएगा। चलिए ये तो मैं करा चुका हूँ, इसका तो वीकर ही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डिड वी कॉल दैट द स्टेज फ्रॉम 2 to 6 ईयर, यानी 2 से 6 साल की अवस्था को हम क्या कहेंगे, 2 से 6 साल की अवस्था को हम क्या कहेंगे, इन्फेंसी कहेंगे, प्री चाइल्डहुड कहेंगे, प्री एडोलसेंस कहेंगे, लेटर चाइल्डहुड या बोथ ए एंड बी। जल्दी आंसर करें बहुत बेहतर तरीके से। ओहो नोट नहीं देखा, हाँ नोट तो देखना था, ऐसी गलती नहीं करनी है भाई, नोट तो जरूर देखना पड़ेगा आपको। जल्दी करो भी जल्दी, बहुत बेहतर आंसर आने चाहिए, फिर जिसका आपको इंतजार है वो बिल्कुल मिलेगी। नौकरी की ही बात कर रहा हूँ, कुछ लोग तो मेरे प्यारे दोस्त जो इस वीडियो को देख रहे हैं मन में गुनगुनाने लग गए होंगे गाने को, कहीं करती होगी वो मेरा इंतजार। जल्दी जल्दी आंसर करें, कहीं करती होगी वो मेरा इंतजार। बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग है, अच्छा लगता है। जल्दी दोस्तों फटाफट आंसर करें, बहुत तेजी के साथ आप लोगों के आंसर आने चाहिए, बिल्कुल धड़ल्ले से आंसर बहुत तेजी के साथ। चलिए दोस्तों चलते हैं इसके राइट आंसर की ओर। राइट आंसर है हमारा प्री चाइल्डहुड। ये हमारे आ जाते हैं प्याजे साहब, और प्याजे साहब की अवस्था है आपकी कौन सी, प्री चाइल्डहुड। प्री एडोलसेंस की अगर हम बात करते हैं प्री चाइल्डहुड कहलाता है आपका, लेटर चाइल्डहुड नहीं होगा। ये भी आंसर गलत होगा, ये भी आंसर गलत होगा, ये भी गलत होगा, और ये तो ऑल्सो ही गलत हो जाएगा, ये तो गलत होगा ही। चले बड़े आगे क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। ड्यू टू जेन यानी चिल्ड्रन डेवलप एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक एंड रीजनिंग स्किल ड्यूरिंग, ड्यू टू जीन, जीन का मतलब समझते हो, यहाँ जिन का मतलब जिंद से नहीं है, जिन प्याजे साहब से है जी, यानी प्याजे के अनुसार जब बच्चा एब्स्ट्रैक्ट सोचने लग जाता है, रीजनिंग लगाने लग जाता है, तो वो कौन सी स्टेज होती है, तो यही आंसर आपको करना है। जल्दी दो आंसर भी, आप लोगों के आंसर मुझ तक आने चाहिए बहुत बेहतर तरीके से। प्री ऑपरेशनल स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, और बोथ ए एंड डी। क्या बात है, इसमें ए एंड सी नहीं है, डी ऑप्शन है। जल्दी करें मैं आंसर, बहुत बढ़िया। नेटवर्क महात्मा जी हमें लगातार धोखा दे रहे हैं, यकीन मानिए बहुत, जिस दिन हम रुष्ट हो गए ना तो इस नेटवर्क की दुनिया को बदल फेंकेंगे। चलिए बहुत तेजी से आंसर करें, एक बार मैं देख लेता हूँ, बार बार क्लास डिस्कनेक्ट होती जा रही है। चलिए चलिए इसका राइट आंसर की ओर दोस्तों। राइट आंसर आपका होगा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। बच्चा जब एब्स्ट्रैक्टली सोचने लग जाता है तो वो आपका हो जाता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द ट्यूटर स्टडीज पपिल्स ग्रुप बिहेवियर मेनली बाई विच ऑफ द मैथड इंडिकेट वन ऑफ द बेस्ट। यानी जब एक अध्यापक या अध्यापिका किसी बच्चे के व्यवहार के बारे में स्टडी करता है या करती है तो उसको बेहतर सबसे बेहतर जो मेथड है वो कौन सा प्रयोग करना चाहिए, एक्सपेरिमेंटेशन, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, केस हिस्ट्री या बोथ ए एंड सी। जल्दी बताएं। कितने खूबसूरत बच्चे हमने मिले हैं भाई, इतना नेटवर्क धोखा देने के बावजूद भी आप लोग कंटिन्यू हमसे जुड़े हो, भी आपका प्यार यूं ही हमारे साथ बना रहे। चलिए आंसर करें एक बार, मैं तुम्हारे कमेंट देख लेता हूँ मोबाइल के माध्यम से, क्योंकि मुझे कमेंट नहीं मिल रहे हैं। तो जो भी लोग हमें देख रहे हैं भाई, आपके कमेंट में नहीं पढ़ रहा हूं, तो उसके लिए हम रियली सॉरी। क्लियर करने के लिए सिर्फ चीजों की समझ होना जरूरी नहीं। वीडियो देखने लगो खुद के उस पर ऐड पहले आते हैं। हाँ कमेंट थोड़े से रुक से गए। चलिए दोस्तों चलते हैं इसके राइट आंसर की ओर। द ट्यूटर स्टडीज पपल्स ग्रुप बिहेवियर मेनली बाय विच ऑफ द मेथड इंडिकेट वन ऑफ द बेस्ट। एक्सपेरिमेंटेशन, देखिए अगर तुम किसी बच्चे की स्टडी करना चाहते हो तो उससे उसके प्रति ऑब्जर्वेशन बढ़ाना होगा। क्या ऑब्जर्व करते हो उससे, वो चीज़ आपको देखनी होगी। कुछ लोग इसको एक्सपेरिमेंटेशन की बात भी कर सकते हैं, कुछ लोग इसका आंसर एक्सपेरिमेंटेशन भी दे सकते हैं। हेलो सर जी, पूनम शर्मा जी हेलो, स्वागत है आपका अपने चैनल नित्य क्लासेस में, वेलकम टू नित्य क्लासेस अगेन। देखिए ऑब्जर्वेशन इज द राइट आंसर। बच्चे का इंटरव्यू लेने से केवल उसकी स्टडी नहीं की जा सकती, एक्सपेरिमेंट सब बच्चों पे किया नहीं जा सकता जिन पंजे के थ्रू। केस हिस्ट्री उसकी कहाँ से सर्च करोगे, तो मेरे हिसाब से जो तुमने ऑब्जर्व किया है उसके आधार पर आप लोग उसमें देख सकते हो, एंड दैट इज द राइट आंसर। ओके चले बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33, सर एमपी टेट के लिए इनफ है आपकी क्लास। बिल्कुल क्यों नहीं, क्यों इनफ नहीं है। जो टॉपिक मैं करा रहा हूँ इंग्लिश पैडागोजी का मैं करा रहा हूँ, रीजनिंग पैडागोजी का पोर्शन होता है, और पैडागोजी आपकी हिंदी पैडागोजी में भी आएगी, लैंग्वेज थोड़ी चेंजिंग होगी, आपकी एसएसटी पैडागोजी में भी देखने को मिलेगी और ये आपकी हिंदी पैडागोजी में भी देखने को मिलेगी। क्या जिन प्याजे, कॉलबर्ग, वाइगोस्की, बाउंड्रा, ये क्या आपको हिंदी में नहीं मिलते, ये सब जगह देखने को मिलेंगे। एंड दिस इज द बेस्ट एंड दिस इज ऑल्सो बेनिफिशियरी क्लास फॉर द एम्पीटेट। ठीक है, ये एम्पीटेट के लिए बेनिफिशियरी है। ओके चले इसके राइट आंसर दो। चूज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। चिल्ड्रन आर इगोसेंट्रिक ड्यूरिंग। बच्चा कब इगोसेंट्रिक होता है ये आपको बताना है, किस स्टेज के मध्य है, फॉर्मल ऑपरेशन या सेंसरी मोटर स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज या प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज या आपका प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल या बोथ ए एंड सी। जल्दी बताएं दोस्तों, बहुत ही सुपरफास्ट तरीके से आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30, जय भारती जी आंसर कर दिया है। ओ जय भारती जी का आंसर कर रही है 30 का, 30 आंसर आ रहा है तुम्हारे सामने अब। 30 का प्री चाइल्डहुड बिल्कुल सही आंसर है भाई 30 का। तुम तो बहुत, अब तो मैं आपके आंसर भी देख पाऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि आपके आंसर में और मेरे क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस चल रहा है। तो चलते हैं दोस्तों उसके राइट आंसर की ओर। राइट आंसर आपका सेंसरी मोटर स्टेज और आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज। जब बच्चा सेंसरी मोटर स्टेज में होता है तो वो अहम केंद्रित होता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में भी अहम केंद्रित होता है। सेंसरी मोटर स्टेज में अहम केंद्र उसका स्टार्ट होता है और पूर्ण रूप से प्री ऑपरेशनल स्टेज में आ जाता है। अहम केंद्र क्या होता है, बच्चा ये सोचता है कि दुनिया सब मेरे हिसाब से काम करे, जो वो अच्छा समझता है उसको वो ये, उसे लगता है कि जो मैं करता हूँ ना वो ही सही है। मतलब सेल्फ सेंटर्ड होता है बच्चा उस कंडीशन में, उसको कहा जाता है इगोसेंट्रिक। ठीक है, इगोसेंट्रिक अ पर्सन हु थिंक्स अबाउट हिमसेल्फ, एक वो व्यक्ति जो केवल अपने ही बारे में सोचे उसको कहते हैं इगोसेंट्रिक। ठीक है, तो इगोसेंट्रिक आपको नहीं बनना है, आपको कैसा बनना है, अल्टोरिस्ट। अल्टोरिस्ट का मतलब होता है परोपकारी, ए अ पर्सन हु थिंक्स अबाउट द वेलफेयर ऑफ अदर्स, एक वो व्यक्ति जो दूसरे लोगों की भलाई के बारे में सोचे। ठीक है, आई होप यू आर एंजॉइंग दिस क्लास, सॉरी बी, ओके ओके ओके। चलिए कोई बात नहीं, जल्दी से आंसर करिएगा, बहुत खूब बहुत बढ़िया, दिस इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। विच इज नॉट सो द चाइल्ड्स इमोशन, इनमें से कौन सा बच्चे के इमोशन को नहीं बताता है, इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो बच्चे के इमोशन को नहीं बताएगा, बच्चे की भावनाओं को नहीं बताएगा। अच्छा अच्छा पूनम शर्मा जी, देखिए पूनम जी मैं आपको विश्वास दिलाऊं, आप मेरे से पहली बार जुड़ी हैं, शायद आप मेरे से परिचित ना हो, इससे पहले मैं कंप्लीट बैच
बच्चों को दे चुका हूं, और ये मेरे कंटिन्यू पढ़ने वाले स्टूडेंट बता सकते हैं कि मैं कितना मतलब कंटिन्यूटी के साथ पढ़ाता हूं, मैं कोई भी पोर्शन नहीं छोड़ता हूं, सिस्टमेटिक तरीके से चलता हूं, ऐसा नहीं कि कहीं से कोई भी टॉपिक उठा लिया पढ़ा दिया, बिल्कुल तरीके से चलेगा, सिस्टमेटिक तरीके से चलेगा, एक एक ऑप्शन को समझाता हूँ। और मैं यूट्यूब पर सभी बढ़िया पढ़ाते हैं, लेकिन मैं भी कोशिश करता हूँ कि बेहतर से बेहतर आपको दिया जा सके, ठीक है। ओके, सी आंसर कर रही है जय भारती जी, 31 का सी आंसर, 31 तो बहुत पीछे चल रहा है। चलिए भाई, आई एम सॉरी, मैं आपके आंसर नहीं ले सकता इस टाइम, क्योंकि काफ़ी डिफरेंस चल रहा है आपके आंसर आने में और हमारी बात आप तक पहुंचने में, ठीक है। चलिए चलते हैं इसके राइट आंसर की ओर, राइट आंसर होगा टॉलरेंस। देखिए सोरो, जब किसी बच्चे को आप दुखी देखोगे तो बच्चे के इमोशन को देखकर पता नहीं चलेगा कि बच्चे के इमोशन कैसे हैं, दुख वाले। सोरो मतलब दुख, उसके इमोशन से पता चल जाएगा। प्लेजर खुश, उसके इमोशन को देख के पता चल जाएगा बच्चा बहुत खुश है भाई, खुश हो रहा है। क्यूरियोसिटी, उसके जिज्ञासा को देख के पता चल जाएगा, लेकिन टॉलरेंस को देखकर उसका नहीं पता चल पाएगा भाई। असहिष्णुता को देखकर उसका नहीं पता चल पाएगा। एंड दिस इज द राइट आंसर, एंड दिस आंसर इज द राइट आंसर। ओके दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा, सभी अपने प्यारे प्यारे दोस्त दुलारे सखी सहेलियां सबके पास भेज दीजिएगा इस वीडियो और इस लाइव सेशन को, बड़ा मजा आ रहा होगा आपको इस लाइव सेशन में। थोड़ा सा नेटवर्क इशू चल रहा है तो उसकी वजह से थोड़े लेट आ रहे हैं हमारे पास। अच्छा सर, आज कामनी मैम ने क्लास नहीं ली, हो सकता है क्लास नहीं ली हो कामनी मैम ने, मेरे को पता नहीं होता कौन टीचर क्लास लेना ले रहा है नहीं ले रहा, क्योंकि इधर ऑफलाइन से पढ़ा कर आया, फिर मैं ऑनलाइन पढ़ाने लग जाता हूँ आपको, अब यहाँ से पढ़ाऊंगा फिर सीधा ऑफलाइन चला जाऊँगा, तो यानी सुबह शाम तक बिजी रहते, मजबूरी अभी क्या करा जा सकता है, ठीक है। चले भाई, अकॉर्डिंग टू जिन मतलब जिन प्याजे के अनुसार, चिल्ड्रन आर नो लॉन्गर इगोसेंट्रिक वेन एंटरिंग, यानी बच्चा ज़्यादा लंबे समय तक इकोसेंट्रिक नहीं रहता जब वो एंट्रिंग कर रहा हो, कब, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में, कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज में, या सेंसरी स्टेज में, या प्री ऑपरेशन स्टेज में, या ए और सी दोनों। जल्दी आंसर करें, बहुत तेजी के साथ, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग आंसर करते हैं ऐसा मैं देख पा रहा हूं, और बहुत बेहतर आपका ये मुझे लाइव सेशन आपके साथ जुड़कर लग रहा है। जल्दी आंसर करें, अकॉर्डिंग टू चिल्ड्रन आर नो लॉन्गर इकोसेंट्रिक वेन एंट्रिंग। देखिए बच्चे का जो इगोसेंट्रिज्म है वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहता, धीरे धीरे समझदार होता चला जाता है बच्चा, और अहमवाद को, अहंकारवाद को छोड़ता चला जाता है, त्यागता चला जाता है। हाँ कुछ हैं ऐसे लोग जो बड़े होकर भी अहंकार को नहीं छोड़ते, अहमवाद को नहीं छोड़ते, उनकी बात को, ये कुछ एक्सेप्शनल होते हैं, कोई बात नहीं, तो वो स्टेज आती है आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। बच्चा सेंसरी मोटर स्टेज में इगोसेंट्रिज्म की स्टार्टिंग होती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में पूर्णतः इगोसेंट्रिज्म आ जाता है, और जब बात करेंगे हम कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की तो इगोसेंट्रिज्म जानने के कगार पर होता है। एंड दैट इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 35। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, इंडिकेट ट्रू ऑप्शन, ट्रू ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, संकेत करना है, विच इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, यानी बुद्धि के विकास में कौन सा एलिमेंट नहीं है ये आपको बताना है, थिंकिंग है, इमेजिनेशन है, क्रिएटिविटी है, टॉलरेंस है, या बोथ ए एंड बी। जल्दी चलिए, बहुत बढ़िया, थैंक यू सर जी। ओके चलिए पूनम जी, मैं जब वादा करूंगा आपसे वादा पूरूंगा, वादा पूरा करके जाऊंगा, टेंशन ना लें आप, वादा परस्त नहीं हूं मैं। चलिए चलिए दोस्तों, राइट आंसर के चलते, राइट आंसर इसका टॉलरेंस, टॉलरेंस दोबारा आ गया भैया, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन और थिंकिंग, तीनों चीज़ कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट से जुड़ी हैं, और यही कॉग्निटिव डेवलपमेंट से जुड़ी हैं, किससे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट से भी जुड़ी हैं, और कॉग्निटिव डेवलपमेंट के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है दोस्तों, वो हैं आपके जिन प्यांजे जी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 37 की ओर, क्वेश्चन नंबर 37 आपकी स्क्रीन पर ही रहा, ड्यू टू प्याजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्याजे की जो थ्योरी है, द ऑपरेशनल स्टेज स्टार्ट्स एट एज, जो ऑपरेशनल स्टेज है वो कब से स्टार्ट होती है, 3, 1, 7, 5, बोथ ए एंड सी। जल्दी आंसर करें, बहुत तेजी से आंसर करें क्वेश्चन नंबर 37 का, बहुत बढ़िया, अब आप लोग सही तरीके से आंसर कर सकते हो मुझे लग रहा है, बहुत बढ़िया आंसर करें, बिल्कुल ओके, बी आंसर होगा जय भारती जी। चलिए बहुत बढ़िया, जल्दी करें आंसर भाई, बहुत बढ़िया,
ये वक्त की फिसलन है, तुम यूं फिसल जाओगे, आएगा हवा का झोंका, तुम झोंके में बह जाओगे, रुको सोचो समझो कि तुम्हें जाना किधर है, वरना एक समय ऐसा आएगा तुम किनारा नहीं ढूंढ पाओगे। दोस्तों भटकना नहीं है, उद्देश्य में लगे रहना है, तब तक लगे रहना है जब तक सफलता हमारे हाथ ना आ जाए, जब तक हम उस क्षेत्र में कामयाबी हासिल ना कर लें। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, यस सर, क्या बात है, बहुत बढ़िया। एक बार इस वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा सभी मित्रों के पास। ठीक है, चले, ड्यू टू पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट द प्रोपरेशनल स्टेज स्टार्ट। ऑपरेशनल स्टेज स्टार्ट होती है कब भैया? 7 वर्ष से, क्योंकि भैया 0 से 2 वर्ष की अवस्था आपकी सेंसर मोटर स्टेज होती है, 2 से 7 वर्ष की अवस्था आपकी होती है प्री ऑपरेशनल, प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है। जब बात करेंगे 7 से 11 की, तो ये होती है आपकी ऑपरेशनल स्टेज। उसके बाद 11 से एडल्ट एज तक मैंने आपको कल भी बताया था, आपकी आ जाएगी क्या भैया ऑपरेशनल स्टेज से फॉर्मल ऑपरेशनल, फॉर्मल स्टेज। ठीक है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ओके। चलिए, इफ यू आर एंजॉइंग दिस लाइव सेशन सो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, दिस इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। इंडिकेट ट्रू ऑप्शन विच इज नॉट इंक्लूड अंडर एक्सेप्शनल कैटेगरीज, मतलब कौन सा एक्सेप्शनल कैटेगरीज में आता है या जो सा इनमें इंक्लूडेड नहीं है। क्या रिटार्डेड, रिटार्डेड का मतलब भी क्या होता है, रिटार्ड होने जाए, धीमा पड़ जाना, स्लो, गिफ्टेड, नॉर्मल, जल्दी बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी बहुत तेजी से आंसर करो भी, सभी लोगों के आंसर मेरे तक आने चाहिए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। पूनम शर्मा जी, सर कल क्लास ऑफ ऑफलाइन की है बट भरोसे से आई हूँ, ललित ने भी वहीं में इंग्लिश की चिंता ना करो। अच्छा कोई बात नहीं, तो इंग्लिश की, देखिए इंग्लिश की टेंशन आप मेरे पे छोड़ दो, इंग्लिश पेडागोजी की टेंशन, इंग्लिश ग्रामर की टेंशन, इंग्लिश वोकैबुलरी की टेंशन आप मेरे पे छोड़ दो, परेशान बिल्कुल मत होना, मैं आपका बेड़ा पार लगाऊंगा यकीनन आप अगर मेरे साथ जुड़े रहे। देखिए अगर मैं आप मेरे साथ आप नहीं जुड़ोगे, लाइव सेशन में नहीं जुड़ोगे, मैं आपके डाउट को क्लियर नहीं कर सकता और आप मेरे से पढ़ नहीं सकते, तो कैसे भला होगा। मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, यकीन मानिए मेरी, मैं आदतन मजबूर हूँ कि मैं बेकार नहीं पढ़ा सकता। कोई मुझसे ये कहे ना बेकार पढ़ाते, मैं बेकार नहीं पढ़ा सकता, जो ऐसा मैं आता हूँ अपना पूरा 100% देता हूँ। हाँ कभी कभी माइंड ऑफ माइंड मूड ऑफ हो सकता है, तो तब हो सकता है कुछ। हाँ बिल्कुल है आर के सिंह जी, बहुत ज़्यादा समस्या है 37 का सी। चले बड़े, इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा आपका दोस्तों गिफ्टेड। देखिए रिटार्डेड का मतलब भी होता है धीमा, स्लो का मतलब भी क्या होता है धीमा या मंद, और नॉर्मल का मतलब क्या होता है सामान्य। लेकिन गिफ्टेड का मतलब होता है पता क्या, गिफ्टेड का मतलब होता है प्रतिभाशाली, तो ये सबसे अलग है भाई, ये सभी से अलग है, जो सभी से अलग है वही तो पूछ रहा है, दैट इज द राइट आंसर, यही तो होगा सही आंसर। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 39। सो इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन ड्यू टू पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट द फॉर्मल स्टेज स्टार्ट सेट इज। देखिए अब इस क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं आना चाहिए भाई, अब इस क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं आना चाहिए, क्योंकि क्योंकि 6, 5, 8, 7 यानी फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज कहाँ से स्टार्ट होती है आपकी, ये आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी। क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेगा, परेशान भी कर सकता है, बिल्कुल। जय भारती जी 37 का 38 का सी आंसर, आर के सिंह जी 38 का डी आंसर, पूनम शर्मा जी कह रही हैं ओके, चलिए पूनम जी ओके, बहुत बढ़िया, आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। चलिए इसका आंसर करें भाई, चूज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन ड्यू टू पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट द फॉर्मल स्टेज स्टार्ट एज एट स्टेज। फॉर्मल स्टेज कहाँ से स्टार्ट होती है,
प्रीति द्विवेदी जी हमसे जुड़ चुकी है। प्रीति जी स्वागत है आपका, वेलकम टू नित्य क्लासेस। मैं अतुल कुमार मसौतिया आपका आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने चैनल नित्य क्लासेस में। दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ, बने रहिए और हमें भी मोटिवेट रखें, खुद को भी मोटिवेट रखें और तैयारी करते रहें। जीत का जुनून होना चाहिए आपके अंदर, जो नौकरी को पाने का और किसी भी चीज़ को पाने का, यानी कोई भी ऑब्जेक्टिव आपका गोल है, कोई भी अचीवमेंट है, कोई भी उद्देश्य है, उसको पाने का अगर आपके मन में जुनून नहीं है ना, तो दोस्तों आप लोगों की जो स्पीड है वो धीमी होती चली जाएगी और मज़ा नहीं आएगा तैयारी करने में। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों की तैयारी बेहतर तभी होगी जब आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखोगे। मैं बार बार आपसे कहता हूँ, अपना मुकद्दर जो खुद बनाते हैं, दुनिया उन्हीं की धुरी घूमती है और मेहनत ही जिनका है कर्म धर्म, सफलता उन्हीं के कदम चूमती है। दोस्तों अगर वास्तव में आपने मेहनत की है और ईमानदारी से मेहनत की है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। और मेरा ये प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस रहा है और ये मेरा अनुभव है, ये मेरी आशा उम्मीद सब कुछ आपके साथ है। चलिए बढ़े आगे। दोस्तों देखते हैं इसके इस क्वेश्चन का आंसर कौन लोग बेहतर तरीके से दे पाते हैं। 39 का डी आंसर, 39 का सी आंसर, 37 का सी आंसर, क्या बात है, सभी लोगों के आंसर आने चालू हो गए हैं। दोस्तों जितने लोग देख रहे हैं एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। वीडियो को यार आप लोग लाइक नहीं करते ये चीटिंग नहीं चलेगी। मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, डिजिटल बोर्ड पे आपको पढ़ा रहा हूँ, इतने बेहतर क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, मेहनत करते हैं यार। एक छोटी सी मेहनत आपके हिसाब से कहते हैं कि हल्का सा लाइक थंब प्रेस करना है, क्या उतना काम भी नहीं कर सकते? अगर इतना काम भी नहीं कर सकते तो बहुत आलसी हैं आप लोग और बहुत एहसान फरामोश तो है नहीं, वैसे हो सकते हो अगर इस काम को ना करके गए। चलिए चलते दोस्तों राइट आंसर की ओर। मेरे हिसाब से राइट आंसर इनमें से कोई सा भी नहीं है और ना ही ये है। अब आप कहेंगे सर ऐसा है तो आपने ऐसा क्वेश्चन ऐड क्यों किया? आपने ऐसा क्वेश्चन ऐड क्यों किया जब इसमें आंसर नहीं है? तो मैंने ऐड नहीं किया, ये तो आयोग ने ऐड कर दिया। आयोग ने ऐड करा, मैंने ला के आपके सामने पटक दिया। जब आपके सामने पटका तो आप भी ऐसी पटकी खा गए। हमने देखा कि आपका आंसर सही आना चाहिए था, आप कुछ अलग बताना चाहिए था, क्योंकि जो फॉर्मल स्टेज है, फॉर्मल स्टेज 11 से अडल्ट एज के मध्य होती है। एग्जामिनर बराबर इस क्वेश्चन को बनाते समय भूल गया था कि फॉर्मल स्टेज 11 से स्टार्ट होती है। 11 तो ऑप्शन में दिया ही नहीं है भाई, 11 तो इसमें दिया ही नहीं है। जब 11 इसमें नहीं दिया है तो भैया कैसे काम चलेगा? काम कैसे चलेगा भाई? नहीं चलेगा। यानी इसमें ऑप्शन आपको किसी एक की जगह आपको 11 मानना पड़ेगा, इसमें से कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं है। तो ये ऑप्शन कभी कभी आपको इस टाइप की दिक्कत होगी। अच्छा पूनम शर्मा जी कह रही हैं सर आपकी वॉइस बहुत अच्छी है, थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली कॉम्प्लीमेंट। आपको आवाज अच्छी लगी, बहुत अच्छा लगा हमें भी। विच इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ मास्टरी लर्निंग, यानी मास्टरी लर्निंग के लिए कौन सा एलिमेंट नहीं है? एक बात और आपको बता दूं दोस्तों, आपको नोट का विशेष तौर पे ध्यान देना है। जहां कहीं भी नोट लिखा जाए ना तो नोट को इग्नोर नहीं करना है। जब आपको नोट को इग्नोर करोगे तो आपको साथ दिक्कत होगी। ललित सर मैं सर टाइप नहीं कर पाई, सॉरी मैं समझ चुका था जब आपने ललित नाम लिया था तो मुझे लगा, पहले तो मैं सोचा कि शायद आपने ऑफलाइन में किसी उसका नाम लिया होगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग दिल से सम्मान करते हो वो हमें पता चल जाता है। कभी कभी बाय मिस्टेक टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है तो ललित सर आप नहीं लिख पाए होंगे, कोई बात नहीं। अच्छा ओके सर इसलिए ऐड दिया, चलिए बहुत बढ़िया। पूनम जी सर, चलिए प्रीति द्विवेदी जी आंसर आ चुका है ई, बहुत खूब बढ़िया, इस बार ई आंसर कर रही है। चलिए आंसर करते रहिए, बहुत तेजी से आंसर आना चाहिए आप सभी का। विच इज नॉट एन एलिमेंट्री ऑफ मास्टर लर्निंग, अल्टरनेटिव मेथड ऑफ टीचिंग, यूज ऑफ अल्टरनेटिव टेक्स्ट बुक, ग्रुप टीचिंग, चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग एक्टिविटी और बोथ बी और सी। यानी अल्टरनेटिव मेथड ऑफ टीचिंग होना होता है, यूज ऑफ अल्टरनेटिव टेक्स्ट बुक, ग्रुप टीचिंग या चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग एक्टिविटीज, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर जल्दी। 40 का ई आंसर कर रही है, 40 का ई, बी और सी। एक बात और बताएं आपको, देखिए वो पूछ रहा है विच इज नॉट एलिमेंट ऑफ मास्टरी लर्निंग, बात समझ रहे हो, मास्टरी लर्निंग में कौन सा सही नहीं है। जब वो लर्निंग की बात कर रहा है तो ग्रुप टीचिंग की बात कहां से आएगी भाई? यही आंसर हमारा सही होगा एंड दिस इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, यही होगा, ई नहीं होगा, यानी आपका सी ऑप्शन होगा, चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग एक्टिविटीज। अब आपको कहोगे सर ये कैसे होगा,
देखिए मास्टरी लर्निंग क्या होती है, मास्टरी लर्निंग आप क्या होती है, आप मास्टर बनना चाह रहे हो, आप लोगों को कोई चीज़ सीखनी है, आप लोग उसमें महारत हासिल करना चाह रहे हो, तो उसके लिए कोई भी अल्टरनेट मेथड ऑफ टीचिंग यूज़ कर सकते हो मास्टर बनने के लिए, ठीक है। चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग एक्टिविटीज़ कर सकते हो, ठीक है, या कोई भी अल्टरनेटिव टेक्स्ट बुक का यूज़ कर सकते हो। लेकिन ग्रुप टीचिंग का क्या मतलब है, क्या 10-12 टीचर के साथ एक साथ पढ़ाओगे आप? पढ़ाना तो आपको अकेला ही पड़ेगा, पढ़ाना तो आपको अकेला ही पड़ेगा। ग्रुपिंग में स्टडी होती है, टीचिंग नहीं होती। बात समझ आ रही है? तो ये आपका सी ऑप्शन होगा। जय भारती जी, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है एंड यू हैव गिवन द राइट आंसर एंड यू आर ओनली द वन स्टूडेंट हु हैव गिवन द राइट आंसर। सर एमपी टेट की ज्योग्राफी भी करवा दीजिए। आपको किसने बता दिया ज्योग्राफी कराता हूँ मैं? पूनम शर्मा जी, लगता है आप मेरे से परिचित हैं और आपके मेरे बारे में किसी ने बताया है। सुबह 11 से 12 के बीच में मैं करा रहा हूँ यूपी स्पेशल, उस क्लास को आप बिल्कुल भी देखना ना भूलें, क्योंकि बहुत बेहतर तरीके से मैं उसमें करा रहा हूँ यूपी स्पेशल, जो आपका सुपर टेट के लिए रामबाण है, उससे बाहर नहीं पूछेगा, लिख के लेना इस बात को। और ज्योग्राफी मेरी कंटिन्यू चल रही है, तो मैं हफ्ते में कंटिन्यू ज्योग्राफी रखूँगा, जो यूपी स्पेशल है उसको हफ्ते में 2 या 3 दिन रखने वाला हूँ, ठीक है। चलिए कर दीजिए सर, कर दिए, कोई बात नहीं। चलिए दोस्तों, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर, आप लोगों से रूबरू होकर। बहुत बेहतर आप लोग हैं और बहुत ही अच्छी सूझबूझ के भी बच्चे हैं और बहुत अच्छी स्वभाव के भी आप लोग हैं। दोस्तों बस ऐसे ही आप लोगों का प्यार हमारे साथ बना रहे, मेरा आशीर्वाद आपके सर पे ऐसे ही बना रहेगा। आप लोग तैयारी करते रहें, आगे बढ़ते रहें। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेज फॉर यू। आई रिक्वेस्ट माई गॉड दैट यू विल सक्सेस इन योर मिशन इन दिस एग्जाम्स विच इज़ कंडक्ट ऑन 31st of January 2021। यानी जो आपका 2021 को होने वाला है 31st of January को, ठीक है। तो दोस्तों एक काम छोटा सा करके जाइएगा, आप भी आप लोग थोड़ा सा गलत कर रहे हैं, इतनी मेहनत मैं आपके साथ करता हूँ, तो एक काम आप करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा भाई। बीच में मैंने डिस्टर्ब नहीं करा, कोई बात नहीं, मत करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप लाइक करके जाइएगा। अब मैं देख रहा हूँ कितने बच्चे मुझे लाइक करके जाते हैं, देखिए संख्या बल लगातार धीरे धीरे घटता रहेगा। ओके ओके सर, नाइस सेशन, ठीक है। जय भारती जी, थैंक यू सो मच फॉर अप्रीशिएट मी एंड फॉर सपोर्टिंग मी और फॉर मोटिवेट मी। कहीं ना कहीं आप बच्चे भी हमें मोटिवेट करते हो। अच्छा, जो भी आपको कोई कमेंट है, कोई भी आपको कोई दिक्कत है, तो आप लोगों को क्या करना है मैं आपको बता रहा हूँ। आप लोग ये दिस इज माई पर्सनल नंबर, इस पर्सनल नंबर पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप या टेक्स्ट मैसेज आपको करना है, आप लोगों की समस्या का समाधान हो जाएगा, ठीक है। और आप लोग इस वीडियो को ऑफलाइन मोड पे जाने के बाद क्या करना है आपको, कमेंट बॉक्स में लिखकर वीडियो के बारे में बताना कैसी लगी आपको, ठीक है। चलो दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ पूनम शर्मा चैलेंज हुआ सर, चैलेंज हुआ फिर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सर, मैंने लाइक कर दिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके चले दोस्तों, इसी उम्मीद और आशा के साथ आपसे लेता हूँ विदा। इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लाइव सेशन, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गुड डे।